नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज व्हाट्सएप के ऊपर बात की जानी है। व्हाट्सएप की कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दोस्तों, जो न्यूली अपडेट जब व्हाट्सएप हुआ है तो आप उसमें कर सकते हैं, और आपको आज जो फीचर्स पता चलेंगे वो कुछ लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जो एक नया फीचर आया है व्हाट्सएप में, आपको उसके लिए जाना है व्हाट्सएप की सेटिंग्स में। और व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाने के बाद जो है दोस्तों, आपको जाना है अकाउंट, जो आपका ऑप्शन होता है अकाउंट के ऑप्शन में, और यहाँ जाना है आपको प्राइवेसी के ऑप्शन में। और दोस्तों, जो अभी तक आप करते आते थे लास्ट सीन, आप किसको दिखाना चाहते हैं, किसको नहीं दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस आ गए हैं दोस्तों, उसमें आप माय कॉन्टैक्ट में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, अब आप यहाँ पर जो है जिस भी व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे, उस व्यक्ति को आपका लास्ट सीन जो है बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी सभी लोगों को आपका लास्ट सीन दिखाई देगा। ऐसे ही दोस्तों, जो नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, वो है एज इट इज़ प्रोफाइल फ़ोटो। ये ऑप्शन भी अभी ऐड हुआ है, पहले दोस्तों ये ऑप्शन नहीं था। अब ये पर्टिकुलर आप तय कर सकते हैं कि आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ या आपकी सीक्रेट फ़ोटोज़ किसको आपको दिखानी है, किसको नहीं दिखानी है, ये आप तय कर सकते हैं। आप जाएं माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, और आप जितनों को ड्रॉप करेंगे उन लोगों को आपकी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं दिखेगी, बाकी लोगों को आपकी फ़ोटो दिखती रहेगी। तो दोस्तों, ये भी एक नया एडवांस ऑप्शन अब व्हाट्सएप में आया है। इसी के साथ दोस्तों, स्टेटस तो सभी जानते हैं, कई लोग छुपा कर रखते हैं स्टेटस को, एक्सक्लूड कर देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स में से, जिसमें से पता चल जाता है कि इतने लोगों को जो है आपका स्टेटस नहीं दिखाया जाना है। इसी के साथ दोस्तों, ये एक और जो नया ऑप्शन आया है डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर का, आप जब भी किसी से बात करते हैं या चैट करते हैं और आपको लगता है कि आपकी चैट जो है ज़्यादा औपचारिक नहीं होगी, और इस तरीके से आप वहाँ पर टाइमर लगा सकते हैं कि 24 घंटे बाद जो है वो वहाँ से डिलीट हो जाए, 7 दिन बाद डिलीट हो जाए, 90 दिन बाद डिलीट हो जाए, तो वहाँ ऑटोमेटिकली ये डिलीट होती रहेगी, बैकअप नहीं बनेगा, स्टोरेज नहीं बनेगा, और वैसे इसका जो टाइमर होता है बाई डिफ़ॉल्ट वो ऑफ होता है। दोस्तों, इसी के साथ एक और जो आज के दिन की सबसे अच्छी ट्रिक है वो आप देख सकते हैं, ग्रुप्स। आप देख रहे हैं ये जो ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने 374 कॉन्टैक्ट को एक्सक्लूडेड किया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, रिसेंटली आपको कोई भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेता है, और जिसका नंबर सेव नहीं होता वो भी आपको ग्रुप में ऐड कर लेता है, या आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग सेव होते हैं वो बिना आपकी परमिशन के आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। ऐसे में आप ग्रुप्स पे जाएंगे और यहाँ पर एक्सक्लूडेड का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप एवरीवन हु कैन एडमिन ग्रुप, एवरीवन माय कॉन्टैक्ट या माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, तो आप तीसरे ऑप्शन पे जाइए। वहाँ जाकर दोस्तों, सारे आपके कॉन्टैक्ट जो आपने सेव किए हुए हैं उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा दोस्तों, आपका कोई भी दोस्त जो है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। उसको पहले आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेजनी होगी पर्सनली, फिर ये आप तय करेंगे कि आपको उस ग्रुप में ऐड होना है या नहीं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। और इसी के साथ आप जो, मैं यहाँ पर आप एक और सबसे अच्छा जो आज का बेस्ट ट्रिक हम कह सकते हैं, आपको दोस्तों ये पता करना है कि आपने सबसे ज़्यादा बातचीत किस व्यक्ति से की है, सबसे ज़्यादा बातें आप किससे करते हैं, मैसेज शेयर किससे करते हैं, मीडिया शेयर किससे करते हैं, ऑडियो वीडियो विजुअल्स वॉइस जो भी है दोस्तों, ये अगर आपको पता करना है कि आपके टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में कितने लोग हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको चलना होगा स्टोरेज एंड डेटा के ऊपर। यहाँ जैसे ही आप स्टोरेज एंड डेटा के ऊपर आएंगे, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मैनेज स्टोरेज सबसे ऊपर, और दोस्तों वहाँ जैसे ही आप जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो पहला नाम चैट्स में आ रहा है, ये आपका वो कॉन्टैक्ट है जिससे आप सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं, वीडियोज़ फ़ोटोज़ फॉरवर्ड करते हैं, सारी चीज़ें, ये पहला कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर जो सीरियल वाइज सिंक्रोनाइज दे रखा है दोस्तों, ये तय करता है कि जो है एक के बाद एक किसको कितनी प्रायोरिटी दी गई है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैसेजेस
सेट होते हैं। तो दोस्तों इसी में जो और ऑप्शन आप देख पा रहे हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड का, काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं कि कोई भी ऑडियो वीडियो विजुअल फाइल जो आती हैं वो सभी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं, हमारा डेटा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। दोस्तों ये नुकसान सबसे ज़्यादा होता है जब हम ग्रुप में होते हैं और ग्रुप में 500 मैसेज होते हैं जिसमें से 450 मैसेजेस फ़ोटोज़ के होते हैं, 50 मैसेजेस वीडियोज़ के होते हैं और आप वहाँ पर मीडिया ऑटो डाउनलोडेड के ऑप्शंस को हाँ करके रख देते हैं। और इसीलिए जो है दोस्तों सारे आपके कह सकते हैं कि जो मीडियाज हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं। आपको करना क्या है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा आप यहाँ पर ये सब हटा के रखिए, व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई तब भी आपको कोई मीडिया नहीं चाहिए जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो, व्हेन रोमिंग यहाँ से भी आप सब हटा के रखिए, यूज़ लेस डेटा फॉर कॉल्स इसको आप इनेबल करके रखिए, जब आप व्हाट्सएप के कॉल पर बात करते हैं तो यहाँ पर कम डेटा का इस्तेमाल किया जाए ऐसा आप इसको इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे अब चेंजेस आ गए हैं यहाँ पर व्हाट्सएप में, जो कि अपडेट्स आते रहते हैं, आप भी अपने व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए, इन सभी टिप्स और ट्रिक्स का फ़ायदा उठाइए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।